और लास्ट में अनार के दानों के साथ इसे गार्निश करें। अनार के दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। और लास्ट में सेब भुजिया। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिली रेसिपी में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट करणजीत कौर, और आज हम बनाने वाले हैं उड़द की दाल से दही भल्ले। और हमारी सबकी फेवरेट लाइट इंडियन चाट है ये, जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और कंप्लीट चाट रेसिपी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो दही के लिए जो भल्ले बनाए जाते हैं उसके लिए उड़द की दाल इस्तेमाल की जाती है। तो ये बिना छिलके वाली धुली हुई उड़द की दाल है, और इसको मैंने लगभग 6 घंटे पानी में भिगो करके रखा है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए बेटर है कि आप इसे रात भर भिगो करके रखें। तो मैंने 6 घंटे इसको भिगो के रखा है, और अब इसको पानी को निकाल देना है हमें। और पानी को निकाल करके इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेना है, बढ़िया वाला, और गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है। और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी देर में पल्स मोड के ऊपर आप इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। तो इस तरह से बिना मैंने इसमें पानी डाले पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये बैटर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, भुना हुआ जीरा 2 से 3 चुटकी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कलर वाइट ही चाहिए। और इसे हमें फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और बैटर को थोड़ा सा हमें लेना है और पानी के अंदर डालना है, और देखना है कि ये बैटर अगर इसके अंदर तैरता रहेगा तो मतलब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए, और अगर ये तली में बैठ जाएगा तो हमें इसे और फेंटना होगा। तो ये काफ़ी है, अच्छे तरीके से फ्लॉट हो रहा है पानी के अंदर, बिल्कुल भी डूब नहीं रहा है। पानी को हिला भी रहे हैं तो भी डूब नहीं रहा है। तो बैटर को तैयार करके रख लें भल्ले बनाने के लिए, और पास में 1 कटोरी पानी ज़रूर रख लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे तेल गर्म होगा मध्यम आंच पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। बैटर को लेना है और इसे बड़े ही आराम से कढ़ाई में छोड़ देना है, और ठीक ठाक साइज़ के बनाएं, क्योंकि ये फूल कर जस्ट दुगने हो जाते हैं साइज़ में। और मीडियम टू लो हीट पर इनको हल्का गोल्डन होने तक हम फ्राई कर, तो इस तरह से इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। इसी तरीके से सारे भल्ले तैयार कर लें, और इन्हें अलग बर्तन में निकाल लें। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालें, और नमक को अच्छे तरीके से इसमें घोल दें। और अब इस नमक के पानी में जो हमने भल्ले फ्राई किए हैं उन सबको डाल दें, और इन्हें 3 से 4 घंटे भीगे हुए रहने दें। और गर्मी का सीज़न हो तो आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दें, लेकिन पहले उन्हें घंटा भर सोक कर लें पानी के अंदर। तो इस तरह से ये सारे भल्ले जो है वो हमने इस तरह से भिगो के रख देने हैं पानी के अंदर, ऊपर से इसको ढक दें। और अगर ये प्लेट सेटल नहीं हो रही हो तो इसके ऊपर कुछ वजन रख दें। तो दही भल्ले सर्व करने के लिए सबसे पहले इस तरह से भल्ले जो हैं उनको हल्का सा निचोड़ लें, निचोड़ करके एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल दें। ध्यान रखें इसे हल्के हाथ से निचोड़ना है और तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हल्के से हाथ से दबा करके इनको प्रेस कर लें, और इस तरह से प्लेस कर दें जिस भी सर्विंग बोल में आपको रखना है। अब इसके ऊपर डालें गाढ़ा दही, और ध्यान रखें दही खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से कवर कर दें दही के साथ। अब इसके ऊपर डालें हरी चटनी, ये दही और हरे धनिया की बनी हुई चटनी है, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके साथ इसके ऊपर जाएगी इमली और खजूर की मीठी चटनी। अब हमने जो दही भल्ला मसाला बनाया उसे इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े तीखेपन के लिए इसमें देगी मिर्च ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में अनार के दानों के साथ इसे गार्निश करें। अनार के दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। और लास्ट में सेब भुजिया। तो मुझे विश्वास है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।